नाज़रीन, आज का जो हमारा विज़िट है वो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का। हुकूमत उस्मानिया के वक़्त का अलूला में टेलीग्राफ और पोस्ट ऑफिस मौजूद है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन हुआ करता था। सब आपको दिखाते हैं, वहाँ पे पुरानी इमारत अभी भी मौजूद है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विज़िट होगा वो होगा ददान। इसके ये जो सामने आप बिल्कुल पहाड़ देख रहे हैं, इसके बैक साइड वाला एरिया सालेह अलैहिस्सलाम के वक़्त की कौम जो रहती थी उनके अभी भी कुछ निशानात मौजूद हैं। ये सब आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, हमारे साथ रहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ऑन रखें, मेरी मज़ीद अपडेट वीडियो आप तक पहुंच सकें। सऊदी अरेबिया में जो अलूला सिटी है, ये हिस्ट्रिकल प्लेस के हवाले से यहाँ पे काफ़ी ओल्ड मुकामात हैं, ठीक है। जैसे मैदान साला हो गया, ठीक है, उसके बाद जो एरिया तदान है वो हो गया, हिजरा हो गया, उल्टन हो गया, और भी काफ़ी मुकामात हैं। मैं इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इन सब की वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, ठीक है। कुछ जो एरियाज़ हैं उन पे ऑलरेडी मैंने विज़िट किया हुआ है, जैसे एलिफेंट रॉक हो गया, ठीक है, और रिजॉर्ट वाला मतलब एरिया जो हो गया, आप जो मेरी इस पे चैनल पे आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत बहुत खूबसूरत जो है मुकामात भी हैं। और अलूला जो सिटी है ये पहाड़ों के दरमियान है, पहाड़ों के मिड में आई है। नाज़रीन, ये सामने जो है ये रेलवे स्टेशन की इमारत आपको नज़र आ रही है, ये टेलीग्राफ और पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। अभी हम पार्किंग वाले एरिया में मज़ीद आगे चल के आपको इसके मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए पार्क भी बना है, फैमिलीज़ भी यहाँ पे आती हैं और मतलब कि अपना जो टाइम है वो स्पेंड करती हैं। अलूला का आजकल वेदर काफ़ी प्यारा है, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी बने हुए हैं, उनका भी विज़िट करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ वकास अहमद, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं मौजूद हूँ अलूला के जो पुराना रेलवे स्टेशन है उस पर। ये आप जो पीछे इमारत देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन की इमारत है, ठीक है, इसका विज़िट करते हैं। पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ की चट्टान, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी मैं कैम्प कर रहा हूँ, और ये एंड तक है। इस एरिया का नाम है ददान, ठीक है। यहाँ पे भी हज़ारों साल पहले जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे भी मतलब कि अपने जो मतलब हॉल से बनाए हुए थे इस पहाड़ के अंदर, उन्होंने पहाड़ तराश के तो यहाँ पे स्टे किया था। अच्छा नाज़रीन, ये सामने जो पहाड़ की चट्टान है इसका नाम किला अल हाश है। हिजाज रेलवे स्टेशन की जो है ये इमारत थी पहले, ये आप देख रहे हैं, ये हिजाज रेलवे स्टेशन की इमारत थी, और इस साइड पे जो है वो पटरी थी, ट्रेन की पटरी इस जगह पे थी। और मैं तो जूम करता हूँ, आप देख सकेंगे, ये देखें, ये अभी भी उसके मतलब जो है ना कैबिन डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं। ये इन्होंने बाहर बालमोंड से बंद किया हुआ है। और यहाँ पे पैदल चलने का ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं और पैदल जो है वो वॉक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हुकूमत उस्मानिया के वक्त की जो है ये बिल्डिंग है। अंदर का इसका जो कुछ हिस्सा था वो ऐसे था, मैं अभी आपको कैंप से दिखा रहा हूँ, ये देखें आप।
ये जो है इसका जो हिजाज रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा जो है वो मेन जो है वो मैदान साले में है, और सेकंड जो छोटा स्टेशन था वो ये वाला था। ये इसका गेट था, ये देखें जैसे किले का गेट होता है, ये ऐसे इसका गेट था। इन्होंने इसके इर्द गिर्द जो है वो कंप्लीट बाउंड्री की हुई है। इसका कुछ ऐसे था पहले स्ट्रक्चर, ये कुछ लिखा भी हुआ इसके बारे में। यहाँ पे इनका ये टेलीग्राफ ऑफिस भी था। ठीक है, यहाँ से मैं मजीद आपको इसके व्यूज दिखाता हूँ। अभी इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी बना दिया है, और फैमिलीज़ की जो है छोटा सा पार्क है, और फैमिलीज़ के बैठने के लिए जगह भी है। ये देख रहे हैं आप, कॉफ़ी शॉप वगैरह बना हुआ है। ठीक है, इंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट के लिए भी यहाँ पे पॉइंट है, आप फैमिलीज़ के साथ आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और यू चाहिए, इधर कॉफ़ी शॉप भी है, आप देख रहे हैं आप, इसका भी आपको विजिट करवाते हैं। सलाम वालेकुम, क्या हाल है तई अश्विन तक हवी भी ओके इधर आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा कॉफ़ी शॉप बना और बड़ा सिंपल, और इन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से ये कॉफ़ी शॉप बनाया हुआ है, देखें आप। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये भी कॉफ़ी और शाही की शॉप है। शाही मतलब जैसे हम पाकिस्तान में कावा या टोनिक है, इसी तरह इधर भी शाही है, लेकिन ये मतलब थोड़ी डिफरेंट शाही है। ये अरब की जो शाही है ये वो है, सऊदी अरेबिया में ये काफ़ी मशहूर है। साथ फ्रेशमेंट के लिए ठीक है, ठीक है, आपके लिए
एंजॉय किया। आप जब भी इधर विजिट करें तो यहाँ पे जरूर आए। थैंक यू हबीब, थैंक यू। नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया था दादान एरिया, उसकी तरफ जा रहे हैं। वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा नाज़रीन, ये आपको जो सामने पहाड़ की चट्टान नज़र आ रही है, किला टाइप, ये देख रहे हैं आप, मैंने जूम किया हुआ है। ये एरिया इन्होंने बाउंड्री की हुई है। इस कंप्लीट पहाड़ों में जो पहले जो कौमें रहती थी, उन्होंने जो है इधर अपने घर बनाए हुए थे। ठीक है, वो लोग यहाँ पे रहते थे। ये मैं आपको आगे मज़ीद दे के चलता हूँ और करीब से भी दिखाता हूँ। ये आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ से एंट्री होती है इस एरिए की, जो आप देख रहे हैं। विंटर पार्क से भी हम टिकट परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हम टिकट परचेज़ कर सकते हैं alulaexperience.com से, और फिर ये आपको लेके इस पूरे एरिया का विज़िट करवाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको सही व्यू नज़र आएगा। ये बहुत बड़ी पहाड़ की चट्टान है, ये देखें, इतनी बड़ी पहाड़ की चट्टान है। मैं जूम आउट करता हूँ और आपको नज़र आएगी सही। ये इसकी फ्रंट वाली जगह है और इसके बैक साइड पे भी ऐसे ही है। ये देखें, जैसे किला नुमा चट्टान होती है इतनी बड़ी। पहले की कौमें जो पत्थर तराशने में, पहाड़ तराशने में माहिर थी। ये देखिए आप, नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें आपको अलूला के तारीखी मुकामात दिखाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।